हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। बच्चों, आज हम एक बार फिर से करने वाले हैं लेटर राइटिंग। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, लेटर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होते हैं फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, अपने ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इस तरह के जो भी लेटर्स हैं जो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही लिखते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। दूसरी तरफ होते हैं फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स आर दोज विच वी राइट टू स्कूल, बैंक, ऑफिस और एनी कंपनी। स्कूल में किसी भी तरह की आपने लेटर लिखनी है, बैंक में लिखनी है, किसी कंपनी में किसी चीज़ के लिए, किसी डिमांड के लिए लिखनी है, किसी ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, ये सब लेटर्स होते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो चलिए आज हम करेंगे फॉर्मल लेटर, यानी ऑफिशियल लेटर। किसी भी ऑफिस को जो लेटर हमने लिखना है उसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं, किस तरीके से लिखना है। टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल मंडी, या जो भी आपकी जगह का नाम है, सोलन, शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, जो भी है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद वन लाइन छोड़ने के बाद यू विल राइट डाउन द डेट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कि हम ये एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं या फीस माफ़ी के लिए लिख रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए लिख रहे हैं वो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद हम वन लाइन फिर से छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम। सर हैं तो सर, मैम हैं तो मैम। तो ये 7 पॉइंट्स अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट इज टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल, अपने स्कूल का नाम आप लिखेंगे, फिर अपने टाउन का नाम, डेट, सब्जेक्ट और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। तो ये 7 पॉइंट्स एक बार आपको लर्न हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, अपने बारे में बताना। तो इंट्रोडक्शन में हम अपने बारे में बताएंगे, दिस इज टू स्टेट दैट आई एम डैश ऑफ क्लास डैश, आई डैश एंड विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर डैश डेज। अब जहाँ पर भी मैंने डैश लिखा है उसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस डैश का एक मीनिंग है जो मैं आपको आगे अभी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो इतना सा पार्ट आप ध्यान से देख लीजिए। वंस अगेन, दिस इज टू स्टेट दैट आई एम डैश ऑफ क्लास डैश, आई डैश एंड विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर डैश डेज। ये जो डैश मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है कि किसी भी तरह की एप्लीकेशन होगी तो आप सिर्फ ये जो डैश में जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हीं को चेंज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे विल नॉट चेंज, इनको चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर तरह की एप्लीकेशन, चाहे वो लीव की हो, सिक लीव है या मैरिज के लिए आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसमें सारे वर्ड्स सेम रहेंगे। सिर्फ ये जो डैश वाले वर्ड्स हैं ये आपको थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। आई एम डैश, इसमें आप अपना नेम लिखोगे, ऑफ क्लास डैश, आप कौन सी क्लास में हो वो के आप लिखोगे, आई डैश एंड विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर डैश डेज, आई एम नॉट वेल, अगर आप सिक लीव लिख रहे हैं, या अगर आप मैरिज में जा रहे हैं, आई एम गोइंग फॉर अ मैरिज एंड विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर डैश डेज। अब कितने दिन की आपने छुट्टी लेनी है वो आप लिखेंगे, फॉर 2 days, 3 days। आइए अगला देखते हैं, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर डैश डेज, जितने डेज की आपने छुट्टियाँ ली हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे, फ्रॉम डैश जुलाई टू डैश जुलाई, इसमें आप डेट मैंशन करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 5 days की छुट्टी ली है तो आप क्या लिखोगे, 21st July टू 25th July, वो होगी आपकी 5 days की लीव। आप चाहें तो अब इसका एक स्नैपशॉट रख लीजिए अपने पास, और जो भी ब्लू कलर से लिखे हुए वर्ड्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपको ये तो लीव एप्लीकेशन थी, अगर किसी और चीज़ के लिए आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी, तो ये वर्ड्स चेंज हो जाएंगे और बाकी जो रेड वाले वर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे। तो ये थी इंट्रोडक्शन, बॉडी और शुरू का जो फॉर्मेट है वो सब एप्लीकेशंस में बिल्कुल सेम रहेगा। अब जब आपको इतना लर्न हो गया है, शुरू के जो पॉइंट्स हैं, अब आपने इसी तरह से एक और एप्लीकेशन लिखने की कोशिश करनी है जिसमें आप सिक लीव नहीं लिखोगे, बीमारी के लिए छुट्टी नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे सिस्टर की वेडिंग के लिए, फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग। जहाँ पर भी डैश हमने देखे हैं
उस डैश की जगह पे अब आप रीजन, आपका जो कारण है छुट्टी का वो बदल जाएगा, डेट्स बदल जाएंगी, कितने दिन के लिए लेनी है वो बदल जाएगा, बाकी आपका नाम, क्लास, ये सब तो सेम रहेगा। ऊपर का जो फॉर्मेट है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि फॉर्मेट हर एप्लीकेशन में सेम ही रहेगा। इंट्रोडक्शन और बॉडी में भी जो ये वाले वर्ड्स हैं रेड वाले, दे विल बी सेम। यू जस्ट नीड टू चेंज दीज वर्ड्स जो कि आप बॉक्स में देख रहे हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, स्कूल का नाम आप अपना लिखोगे, जो भी आपका टाउन है, मंडी, सोलन, शिमला, बिलासपुर, जो भी टाउन है वो लिखोगे, डेट मेंशन करोगे, जो भी आज की डेट है, रिस्पेक्टेड सर हैं तो सर, मैम हैं तो मैम, उसके बाद नीचे जो रेड कलर से लिखा है बॉक्स में, नेम, क्लास, वो आप अपनी अपनी लिखोगे, और आई हैव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन या जो भी आपका कॉज है वो आप कॉज लिख दोगे, कितने डेज के लिए लेनी है वो लिख दोगे, नेम और क्लास अपनी अपनी लिखोगे। आई होप आपको ये पूरी एप्लीकेशन समझ में आई होगी, तो अपनी एक एप्लीकेशन लिख के मैम को व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।